है अपना प्यारी प्यारी मसाला, प्यारी प्यारी, अच्छा प्यारी 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 नहीं, लगभग 2-3 साल पहले मैं इन अंकल जी के पास आया था, जब इन्होंने स्कूटी में ना कूलर के, आपने ऐसे ही बताया था ना कि कूलर का स्टैंड वगैरह है। हाँ जी सर, हाँ जी, कोरोना के बाद कूलर का स्टैंड और मतलब किचन की अलमारी के टूटे हुए फट्टे जोड़ के, उससे जोड़ जुड़ के आपने एक कार्ट बनाई थी स्कूटी के पीछे। ये स्कूटी है सर, इसी के पीछे थी वो छोटी। हाँ, अभी थोड़ा सा एक्सटेंड। आपने अब देख रहा हूँ मैं पूरा एक वो जुड़वा लिया है, ये अलग हो जाता है। हाँ, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है ना, तो मतलब दोनों काम आ रही है, दोनों काम आ जाती है। निकाल भी दो, निकाल इसको के अपना राशन पानी भी ले आओ। हाँ, और पैसे खाने के टाइम लगा भी लो। तो बहुत बढ़िया सेटअप बनवाया अंकल जी ने, आप देखोगे ना आप भी बोलोगे भाई क्या दिमाग लगाया बढ़िया पीछे से। तो अंकल जी ये बताओ, अब उसके बाद से जब हमने पहले वीडियो बनाई थी कुछ फर्क आया? हाँ सर, बिल्कुल काम में फर्क आया, लोगों का विश्वास हुआ थोड़ा सा। हाँ जी, पहले जैसे अकेले खड़े रहते थे स्कूटी के ऊपर। हाँ जी, तो लोग ये समझते थे पता नहीं क्या बेच रहा है, कैसा बेच रहा है, कैसा खाना होगा। सही एक बात। तो स्कूटी की हालत सही नहीं थी, दूसरी सरदार जी की हालत सही नहीं थी। हाँ जी, तो लोगों के मन में वहम आता है। आप लोगों ने फूड दिखाया, उसको फूड को देख के लोगों को थोड़ा बिलीव आया, इससे काफ़ी फर्क मिलता है, काफ़ी सहारा मिलता है। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की वीडियो से काफ़ी उत्साह भी मिला कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सही बात, मतलब क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस था तो मन में शंका रहती थी, रोड पे उतर के क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं। सही बात, तो लोगों को भी थोड़ा तसल्ली आए। नहीं भैया, आपने तो आप सब्जी वब्जी क्या लाए हो आज, दिखाओगे एक बार? मेरे पास चार सब्जियां सर। चार सब्जियां, ये कौन सी है? ये कड़ी है सर। अरे वाह, बढ़िया बना रखी है, एकदम पंजाबी स्टाइल कड़ी है। और ये आगे जी राजमा, गर्म हो रहा है। बढ़िया बढ़िया, गाढ़े हैं एकदम। हाँ सर, औरों की तरह नहीं है, मतलब पानी वानी भरा हुआ वाला है, बिल्कुल तड़के वाले फर्स्ट क्लास, तड़के वाले फर्स्ट क्लास। ये स्पेशल छोले बहुत बढ़िया, खुशबू तो छोलों में से भी बढ़िया आ रही है। और क्या रखते हो? ये मटर सर, मटर पनीर, क्या है? मटर मशरूम। मटर मशरूम, अच्छा, गुंबाजी सब्जी पंजाबी। अच्छा, तो कभी कभी पनीर भी लाते हो? हाँ, पनीर भी लाते हैं सर, चाप भी लाते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन चेंज होता है, जैसे आज मटर मशरूम है तो पनीर होगा, किस दिन चाप होगी, एक सब्जी चेंज। इसमें क्या है? इसमें सर अपने चावल, वो मटर वाले पुलाव टाइप बनाते हो, हल्के वेजिटेबल है, मटर, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची। अरे वाह, खुशबू बढ़िया आ रही है। देखो हमारे तेज पत्तों में सुराख नहीं होता आपको। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश आइटम यूज करते हैं, बढ़िया बना रखे हैं। इधर हमारा रोटी है सर, इसमें चपाती, इसमें रोटी है, घर की बनी रोटी जो है नॉर्मल होती है, घी वाली होती नहीं, नॉर्मल सूखी रोटी होती है, सूखी रोटी होती है, क्योंकि ऐसे ड्राई नहीं होती सर, हमारी आटे की रोटी होती है, शाम तक वैसे ही एकदम नरम रहेंगी, फ्लफी। बढ़िया, इधर पहले अपना रायता आ जाता है, ये आ गया जी रायता, इसमें ठंडा ठंडा बहुत शानदार, वैसा रायता मिलेगा नहीं सर आपको। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब बैलेंस मसाले, बैलेंस पानी। सही बात है, मतलब ये ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, बैलेंस एकदम, जो पच भी जाए आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल, भारी भी ना लगे, भारी भी ना लगे, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ थाली कौन सी रखी हुई है अब आपने? थाली सर हमारे लिए, आप अगर यहाँ खाना चाहते हैं तो ये वाली। हाँ जी, ये कितने की है? ये 80 रुपये की है और 100 रुपये की है। हाँ जी, यही थाली, इसमें मटर मशरूम और पनीर आ जाएगा। ओके, इधर थाली लेना चाहते हैं हमारे पास दूसरी है स्पेशल थाली। अच्छा, 100 रुपये की है, इसमें आप पैक करके भी ले जा सकते हैं। एक काम करो, आगे पैक करवाते हैं आपसे, तो ये वाली थाली लगाओ। सब्जी कौन कौन सी आएंगी इसमें? सब्जी, दो सब्जी आएंगी सर, राजमा ले लो, कड़ी ले लो, मटर मशरूम ले लो। हाँ जी, या छोले ले लो, दो सब्जी कोई सी ले सकते हो। अच्छा, दो आएंगी 100 रुपीज की है, पैक करने वाली 120 रुपये की पड़ेगी और नॉर्मल 100 रुपये की पड़ेगी। मटर मशरूम वगैरह लेंगे, वैसे मैं तीन सब्जी टेस्ट करना चाहता हूँ तो डाल दो, तीन डाल देंगे, उसमें रहता आता है, रहता कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप रहता मत डालना। क्या डालना? पहले डाल दो आप कड़ी। सबसे पहले आपकी रोटी आएंगी सर। कितनी रोटी आती हैं? 3 रोटी आएंगी सर। 3 रोटियाँ, ठीक है। उसके बाद में आएंगे सर आपके चावल। हाँ जी, अब आ जाएंगे भाई राइस, चावल आ गए, मटर वाले बना रखे हैं अंकल जी ने, बढ़िया। अब आप कड़ी लेना चाहते हो, छोले, राजमा या मटर मशरूम? मटर मशरूम और राजमा डाल दो आप। ये भाई मटर मशरूम देखो आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त, बढ़िया। अब आप डाल दो इसमें राजमा, अंकल जी इसमें गर्म भी रहता है? हाँ जी सर,
चार बजे तक खाना बिल्कुल गर्म मिलेगा आपको, ठंडे खाने का मतलब ही नहीं। बढ़िया भाई, गाढ़े गाढ़े राजमा, कड़ी भी टेस्ट करेंगे, तो कोई कड़ी भी टेस्ट करा। तो वैसे दो सब्जी मिलेंगी, तो दो सब्जी और रायता आएगा। हाँ, हम रायता नहीं ले रहे, तो हम एक सब्जी एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपको सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल खट्टी खट्टी कड़ी होती है पंजाबियों वाली, बिल्कुल। हाँ जी, ये आपकी थाली तैयार है सर। तो अब इसमें जगह नहीं रही, इसलिए आपको चटनी प्याज अलग से दिया जाएगा। कोई नहीं, ये प्याज आ गया। प्याज भी बारीक काट के ला, बारीक उतरा हुआ। अच्छा, मिर्ची का अचार है। मिर्ची का अचार है सर, बहुत बढ़िया। ये अपना धनिया पुदीने की चटनी होगी। हाँ जी, ये अपना प्यारी प्यारी मसाला, प्यारी प्यारी। अच्छा, प्यारी 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 प्यारी, ये ऊपर से डालते ही डालते हो। बिल्कुल, ये थाली हमारी 100 रुपए वाली है। ये 100 वाली है, बहुत बढ़िया। ये कड़ी चावल 50 रुपए का, 50 रुपए का कड़ी चावल है। ये हाफ होता होगा, ये हाफ है। और फुल 80 रुपए का, फुल 80। ये हाफ की क्वांटिटी आप देख लो भाई, हाफ कड़ी चावल 50 रुपए। बढ़िया, ये हाफ राजमा भी 50, ये हाफ राजमा भी 50। बढ़िया, अगर आपको थाली नहीं लेनी, खाली खाने हैं राइस राजमा कड़ी, तो ये सारी हाफ 50 की है। कोई भी नहीं सर, छोले 60 के हैं, मटर मशरूम 70 का है, पनीर 70 का है। छोले 60 और मटर मशरूम 70, और ये क्या फुल है? ये फुल है, ये 80, ये 80 का है। बढ़िया भाई, खाना एक नंबर है, बढ़िया है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। मजा आ जाता है, मजा आ जाता है खाने में, कोई इशू नहीं है। अंकल जी, आपकी थाली बहुत बढ़िया लगी, टेस्टी खाना है, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आया, बढ़िया खाना लगा, घर जैसा टेस्टी। और आप ऐसे ही हमें प्यार दीजिए, और हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं लोगों को बोल दूंगा अंकल को फॉलो जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन सर, ये आपकी पिलर नंबर 336 पड़ता है, SBI बैंक के बिल्कुल सामने मैं खड़ा मिलता हूँ, सामने LIC बिल्डिंग है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्कार जी।